भाई पीछे पीछे हो जाओ, चलो ना। यहाँ पर लोग स्टेज पर बैठे लोग और तहसील, हमारी पूरी तहसील से आए भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सोशल डिस्टेंस पे टाइम रखें और मुमकिन हद तक अपने आप को इस बीमारी से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इसे लड़ने की बहादुरी नहीं है, इसे बचने में बहादुरी है। नबी भी ये कि कोरोना के साथ साथ भूख बहुत बड़ा मसला है। स्वागत है कि अल्लाह के फजल व करम से और आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह हम 10 लाख लोगों को, फैमिलीज को इंशाल्लाह राशन तकसीम करने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो है मुखैर हजरात की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। सर, आवाम जो है लॉकडाउन में जो कि कानूनी जो देना है वो गवर्नर का काम नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर का काम है, लेकिन आपके लिए आपके कप्ताना साहब मेरे साथ आए, सोनिया आए, चीफ मिनिस्टर साहब से मैं इनके साथ मिलकर गुजारिश करूंगा और कोशिश पूरी करेंगे कि आपको कानूनी जो है वो जिस तरीके से भी मुमकिन है आपके सिलसिले में मदद। थैंक यू। जो भी हार्डशिप में बच्चे होंगे इंशाल्लाह न सिर्फ मेरे स्कूल में बल्कि तमाम यूनिवर्सिटीज में भी इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को जिस तरीके से हमारे अपने बच्चे हैं उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। और मैं आपको ये बात यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को भी स्कूल से घर इसलिए नहीं भेजा जाएगा कि उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। इंशाल्लाह ये मैं आपको जो है सरवर फाउंडेशन की तरफ से कहना चाहता हूँ। हमारी टॉप 15 ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 8 लाख राशन पैक जो है लोगों को पहुंचा दिए हैं, और अगर हम दूसरी छोटी तमाम ऑर्गेनाइजेशन की कैलकुलेशन करेंगे तो इंशाल्लाह ईद तक हमारा टारगेट है कि हम 10 लाख खानदानों में, जब हम 10 लाख खानदानों की बात करते हैं तो अगर 6 एक फैमिली में है तो 60 लाख लोगों की हम जो है वो बात कर रहे हैं। ये आप सिर्फ पंजाब में दे रहे हैं या बाकी सुबह? देखिए, हमारी कोशिश है कि जहाँ कहीं भी मुमकिन है, जहाँ भी जरूरत है, आज़ाद कश्मीर में है, केपीके में है, हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं। हम देखें पीने का साफ पानी, जबकि कोविड है, सारी चीजें बंद हैं, इसके बावजूद यार मोरे ना हफ्ते में लाहौर में हमने 3 फिल्ट्रेशन प्लांट की ओपनिंग की है। 4 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है हम अल खैर फाउंडेशन के तावन से बलोचिस्तान में खोल रहे हैं, और मुझे ये बात कहते हुए बड़ा फख्र है। और मैं अगर प्रवीण सफर जो के फाउंडेशन को लीड कर रही हैं, अप्रिशिएट ना करूँगा कि अंडर हर लीडरशिप माशाल्लाह हम 2 मिलियन लोगों को, 20 लाख लोगों को डेली पीने का साफ पानी जो है वो फराहम कर रहे हैं। सोसाइटी को हम सबको इकट्ठे मिलकर इस मुसीबत का मुकाबला करें, और अपोजिशन से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके पास अच्छी प्रपोजल है कि हम किस तरीके से इसको मोर इफेक्टिव तरीके से डील कर सकते हैं तो इंशाल्लाह हम आपकी प्रपोजल जो है आप जो हमें मशवरा देंगे आपके मशवरे पे हम अमल करेंगे। जो अच्छा मशवरा कहीं से भी आएगा हुकूमत उस पर अमल करेगी। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चूंकि टोबा टेक्सिंग मेरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोगों से जाहिर है कि एक मोहब्बत है, प्यार है, और इस्लाम भी हमें सिखाता है कि जब आपने चार टी शर्ट तो मुझे ये बड़े फख्र की बात है कि हमने माशाल्लाह सफर फाउंडेशन ने 20,000 राशन पैक जो है सिर्फ टोबा टेक्सिंग में जो है वो तकसीम किए हैं, और माशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आप लोगों को मुश्किल वक्त में हम तनहा न छोड़ें, और इसमें तमाम लोग रियाज खजाना साहब, चौधरी इशफाक साहब, चौधरी रमजान साहब अपने तौर पे भी इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी हल्के में लोगों को पैक करवा के जो है राशन जो है बड़ी तादाद में दिए हैं। तो मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सवाल का जवाब देने से पहले अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हमारे डीसीओ साहब हैं,
उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह कोरोना क्राइसिस के दौरान उन्होंने सही लीडरशिप जो है दिखाई है और बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल आपका सवाल जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से लोग ये समझते हैं क्योंकि हमने मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी है, तरावी जो है SOP के तहत इजाज़त दे दी है, हमने लॉकडाउन में नरमी कर दी है, तो शायद कोरोना की वबा खत्म हो गई है या हमने कोरोना को कंटेन कर लिया। तो मेरे भाइयों बहनों ये बात दुरुस्त नहीं है। हम बहुत बड़े मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख, और ये वबा अभी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी टेस्ट करने की कैपेसिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे लोग जितनी तादाद में कोरोना पॉजिटिव हैं उतनी तादाद में उनकी तशखीस नहीं हो रही है। तो मेरी आवाम से पुरजोर ये अपील है, गुजारिश है कि खुदा के लिए जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसको सीरियस लें, अपने घरों में बैठें, एहतियाती तदाबीर जो हैं इख्तियार करें, और यही एक तरीका है जिससे आप अपने आप को भी महफूज कर सकते हैं, आप अपने घर वालों को भी महफूज कर सकते हैं और पाकिस्तान के लोगों को भी महफूज कर सकते हैं। सर, अपोजिशन का कहना है कि कोशिश है, उसके साथ साथ ही मैं मुखैर हजरात का, फार्मास्यूटिकल कंपनी का, मैन्युफैक्चरर्स का भी बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने करोड़ों 50 करोड़ से ज़्यादा वर्थ का सैनिटाइजर, मास्क, ये ग्लव, ये गोगल, ये PPE वेंटिलेटर्स लोगों ने डोनेट किए हैं, जो कि मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर जो हमारे अस्पताल हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, तहसील के अस्पताल हैं, उनमें वो जो इक्विपमेंट है पर्सनल प्रोटेक्शन के, वो तो आज भी मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछा था कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह हम गवर्नर हाउस से आपको वो चीज़ें जो हैं यहाँ पर मुहैया जो है वो करेंगे। उसके बाद मेरा गुजरा जाना था, आपको मालूम है कि बलाल साहब की वालदा फौत हो गई थी, वहाँ फातिहा पड़ी, और वहाँ भी क्योंकि वो MPA हैं वहाँ पर हम कोई राशन तकसीम नहीं कर सके थे, तो वहाँ पर भी मैंने अनाउंस किया कि 1000 राशन जो है वो गोजरा के मुस्तक लोगों के लिए हम वहाँ पर सरदर फाउंडेशन जो है वो तकसीम करेगी। उसके बाद हम कमालिया में गए, क्योंकि रियाज हत्याना साहब बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत से लोग जब कमालिया और पीर महल की बात होती है तो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सोनिया अली रजा भी, फतियाना साहब भी और मैं भी जितनी कमालिया से मोहब्बत करते हैं उतनी पीर महल से करते हैं, हमारे नज़दीक दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जो फतियाना साहब ने फरमाया है कि सब कैंपस जो है उसमें एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि एक पॉलिसी बन रही है कि क्या यूनिवर्सिटीज़ अपने सेम कैंपस जो हैं बना सकती हैं या नहीं, मगर ना इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि दो सेम कैंपस, एक पीर महल में और एक कमालिया में, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को ये सब कैंपस हैं यहाँ पर इंशाल्लाह दें। पीर महल के सब कैंपस के बारे में बात भी जो है UET से हो चुकी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी हो चुकी है, और अब मैं कहना था इंशाल्लाह कमालिया की भी वापस जाके PNB डिपार्टमेंट से बात करूँगा, क्योंकि तालीम जो है मैं समझता हूँ कि इसमें हमें सबसे पहले जो है वो तवज्जो दें। तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि एक तो हुकूमत ने, आपको ये भी मालूम है कि 12,000 फी खानदान सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया कि 1,20,00,000 फैमिली को 12,000 रुपया फी फैमिली दिया गया है, ताकि वो इस मुश्किल वक्त में उनका जो चूल्हा है वो चलता रहे, क्योंकि वो लोग बेरोजगार हो गए थे, उनके पास वो चारे डेली मेहनत करते थे, रोजी कमाते थे, रात को अपना राशन खरीदते थे और दिन का खाना जो है उनका चलता था, खुराक चलता था। तो लेकिन अब वो चूँकि बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, हुकूमत ने बहुत बड़ा इश्क किया और माशाल्लाह कोशिश की कि सियासत से बाला तक हम जो गरीब और मुस्तक लोगों हैं उनको ये पैसे जो हैं वो पहुँचाए। उसके बाद आपको मालूम है कि हुकूमत अकेले जो है इन तमाम जो
इश्यूज हैं पाकिस्तान में या जितने मसाइल हैं, हमारे पास इतने वसायल नहीं है कि हुकूमत उन वसायल के साथ जो है इस गुर्बत का जो खात्मा है या गुर्बत का मुकाबला कर सके। तो उसके लिए मुझे ये बड़ी खुशी है कि मैंने 2013 में पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के नाम से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसमें हमारी 65 ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी मेंबर हैं, और हमने एक मीटिंग की जो हुई कोरोना वायरस की इशू होगा, तो हमने उस वक्त सब दोस्तों ने मिलकर टारगेट किया कि हम 1,00,000 राशन जो है गरीब और मुस्तक लोगों में पंजाब में तकसीम करेंगे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से एनजीओ के तावन से कल मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो जो हमारे टॉप 15 एनजीओ हैं हम 8,00,000 राशन पंजाब के लोगों में तकसीम कर चुके हैं। और उसके बाद जो हमारे डॉक्टर नईम, डॉक्टर अली उमर, कुछ हमारी नर्सेज हैं और बहुत अच्छा काम किया, नसरीन कौसर, मदीहा मकसूद, उम्मे लैला, मदीहा कवर, ये स्पेशली ये वो नर्सेज हैं जिनसे कोरोना से हम इतना डरते हैं, फ्रंट पे जाके पेशेंट्स को हैंडल कर रही होती हैं। पैरामेडिक स्टाफ हमारा जो है आमिर महमूद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद इफ्तिहार, जियाउल हुसैन, हुसनैन अली, रेहान, वो हैं जो कि मतलब बहुत कम इस वक्त सब लोग ख्याल करें डॉक्टर्स का, ये स्पेशली गवर्नर साहब की कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ये सोचा कि नहीं, इन लोगों का भी ख्याल रखना है क्योंकि इनकी सेहत जो है वो हमारा बहुत अग्रणी फर्ज है। आमिर महमूद, मोहम्मद जुबैर, सईद, मोहम्मद इफ्तिहार, जियाउल हुसैन और अली रेहान और 2-3 जेनिटोरियल स्टाफ है। हमें जाके आपको पता है क्लीनलीनेस, वो जो कि पेशेंट है रिगार्डिंग कोरोना, वो भी बड़ी एफर्ट होती है, इनकी हिम्मत होती है, उसमें भी खतरा होता है। उमर मकसूद, उमर फारूक, नवीद, मोहम्मद फहान और लास्ट नुमान मसीह। मिल जाती है पहले टेंशन लेंगे एक मिनट बस हक लेपर आ जाना। उमर फारूक, नवीद, मोहम्मद फहान और नुमान मसीह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गवर्नर साहब की बड़ी स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इस मौके पे याद रखा कि जिला कुंवर टेक सिंह में भी तमाम लोग जो फ्रंट फुट पे कोरोना के मसले को देख रहे हैं उनके लिए हिफाजती सामान दिया जाए। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, स्टाफ और हमारे सफाई का अमला सब बड़ा अच्छा काम किया। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, वक्त की कमी से हम जल्दी जल्दी लोगों को बुला रहे हैं। प्लीज डॉक्टर सिदरा असद, डॉक्टर अरबाब अफजल, ये गवर्नर साहब की डॉक्टर सिदरा सर, डॉक्टर अरबाब अफजल, डॉक्टर शाहिद रंधावा, डॉक्टर शुक्रिया।